हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कंबोज लर्निंग ब्लॉग्स में। आज हम सीखेंगे भिंडी बनाना। भिंडी बनाएंगे एक नए स्टाइल से। आपने पहले भी देखा होगा ये यूट्यूब पे, लेकिन आज मैं बना रहा था तो सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए ये बात। तो कंबोज लर्निंग ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है और हम आज बनाएंगे ग्रेवी वाली भिंडी। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे बनेगी। तो आज काफ़ी दिनों बाद कुकिंग का मन हो रहा था तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी के लिए मेन इंग्रेडिएंट जो है ये हमारी दही। ऐसी दही लेनी है आपको, एक कटोरे में आधा कटोरा ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसा जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। इसको तैयार करना है अभी, और इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे नमक, जो नॉर्मल नमक आपके घरों के अंदर मिल जाता है ये आप डालेंगे। इसके बाद आप हल्दी डालेंगे इसके अंदर, तो आप हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद आपको मिर्ची डालनी है, तो आप जितना भी तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप मिर्ची डाल दीजिए, या जैसे भी मिर्च आपकी तीखी है या कम है तीखी है उस हिसाब से। इसके बाद हमने बेसिक इंग्रेडिएंट डालने हैं, जो धनिया मसाला आपके घर पे है वो डालना है। बस इतनी चीज़ें डालनी हैं, और इसके अलावा आप गर्म मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी हम खाते नहीं हैं, सिर्फ इतनी ही। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। आपको इसको क्या करना है, पूरी तरह से मिक्स कर देना, पूरी तरह से अच्छे से इसको मिक्स करके एक साइड में रख देना, बस इसका काम इतना ही है। तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये हमने अच्छे तरीके से इसको क्या कर लिया है, मैश कर लिया है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है सॉरी। इसके बाद हमारी आ गई कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने अभी डालना है तेल, और उससे पहले आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली भिंडी चाहिए, जो यहाँ पे हमने इस तरीके से चॉप कर रखी है। तो इस तरीके से आपको चॉप कर लेनी है। आप किसी और शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा सा आपको नॉर्मल से ज़्यादा रखना है। आपको एक भिंडी के तीन या दो हिस्से करने हैं आपको। और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे हम, और फ्राई करना है इसमें अप टू 70% तक, मतलब 70% कुक हो जाए तब तक फ्राई करना है। तो फ्राई करेंगे अभी दोस्तों। फ्राई करने के लिए देखिए तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें हमने हमारी चॉप की जो भिंडी है इसको डाल देना है। इस तरीके से साउंड आएगा आपको पता ही है। आपको इसको फ्राई करना है। आज थोड़ी इसकी धीमी कर देते हैं, 600 पे इसको पकाएंगे। क्योंकि मैंने सिर्फ खुद के लिए बनानी है, बाकी किसी को हमारे घर में इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं खुद के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। आज मेरा बहुत मन था, मैंने अपने ताज़ा फ्रेश गार्डन से भिंडी तोड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो गार्डन लगा हुआ है, वहाँ से पिछली वीडियो के अंदर भी आपको दिखाया था, तो वहीं से भिंडी तोड़ करके आज बना रहे हैं। आप देखेंगे कि कितना बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो रही है। इसमें आपको मैंने जैसे बताया 70-80% आपको कुक करना है, उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे। दोस्तों भिंडी हमारी 70-80% कुक हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। हमने गैस को बंद कर दिया है, हमारा जो चूल्हा था उसको, इसको आपने भिंडी को सेपरेट निकाल लेना, और इसी ऑयल के अंदर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, थोड़ा इसको कम कर लेंगे, इसमें से निकाल लेते हैं। ऑयल कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको फिर से शुरू करते हैं। ऑयल क्योंकि गर्म ही है, इसके बाद आपको क्या करना है, वही काम जो हर कुकिंग के अंदर होता है। सबसे पहले हमें जीरा डालना है, जीरा आपका इसको भून लेना है अच्छे तरीके से।
उसके तुरंत बाद आप डाल सकते हैं ये चॉप किया हुआ अनियन और जो मिर्ची है ये हम डालेंगे। इसको एक दो मिनट के लिए पकाएंगे। अभी हल्का सा ये ब्राउन कलर इसका हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये हमने देखिए प्याज और हरी मिर्च का ये तड़का लग रहा है यहाँ पे, देखो कितनी बढ़िया इसकी जो है वेपर निकल के आ रही है। कुकिंग की खास बात यही है कि अगर आपको कुकिंग का शौक है इन सारी चीज़ों से आपको एक लगाव हो जाता है, और आप अच्छा कुक वही है कि जो अपनी डिश को पहले से इमेजिन कर लेता है कि हाँ ऐसी बननी चाहिए और फिर उसके बाद अपनी जान लगा देता है उसके अंदर उसको बनाने के लिए, तो उसी को बेस्ट कुक बोला जाता है। हालांकि हम बेस्ट कुक तो नहीं हैं लेकिन काफ़ी सालों से हम कुकिंग कर रहे हैं। तो आज आपके सामने ये डिश बना करके हम तैयार करेंगे। पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो पिछली वीडियो के अंदर हमने एक रेसिपी और शेयर की थी आपके साथ कि घर पे कैसे पावरफुल प्रोटीन बनाया जा सकता है, जो हमने सत्तू का प्रोटीन बना के दिखाया था आजकल काफ़ी जो चलन के अंदर है। इस स्टेज के अंदर आपको फिर आगे डाल देना है चॉप किए हुए टमाटर जो हमने चॉप कर रखे थे पहले, इक्वल साइज़ के अंदर आपके चॉप किए होने चाहिए। इसको भी आपने अच्छे से सौते करना है। एक दो मिनट इसको भी चलाने के बाद फिर आगे का स्टेप करेंगे। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको, हमने इसको सौते करते हुए, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए क्योंकि हमने दही के अंदर भी नमक डाल रखा है, तो उस हिसाब से आपको थोड़े थोड़े जो मसाले यहाँ पे डालने हैं, हल्की सी हल्दी डालनी है आपको क्योंकि हल्दी हमने पहले से मिक्स कर रखी है, और यहाँ पर हमने मिर्ची ऐड करनी है इसके अंदर क्योंकि मिर्ची हमने हरी मिर्ची भी हमने ऐड कर रखी है पहले से, और थोड़ा सा इसमें धनिया मसाला जो है हमने ऐड कर क्योंकि दही है, दही जो है इन मसालों को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपको ज़्यादा थोड़ी मात्रा के अंदर मसाला डालना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने सारे नमक मिर्ची मसाला हल्दी जो इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर डाला है। इस स्टेज के अंदर अब आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम जो है थोड़ा कम कर देना है, और इसके अंदर हमने जो दही हमने तैयार करके रखी थी ये जिसके अंदर पूरा मिक्सचर जो हमने तैयार किया था मसालों का वो डाल देना है, और डालने के तुरंत बाद आपको तेज़ी से इसको हिलाना है, नहीं तो दही जो आपकी पूरी फट सकती है। तरीके से आपको हिलाते जाना है। दही इसके अंदर ज़्यादा आपको खट्टी नहीं लेनी, खट्टी दही जो है फिर आपका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, हल्का सा खट्टापन होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। हमने देखिए इसके अंदर दही को मिक्स कर दिया है, अब आपको लगातार इसको चलाते जाना है। और इसमें अभी एक उबाल आने तक इसको चलाते रहना है आपको। देखिए कितना बढ़िया कलर इसके अंदर आ चुका है। इसके अंदर उबाल जो है आपका आ जाएगा तो फिर अपना आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उबाल हमारा जो आ गया है इसके अंदर हमारी ग्रेवी के अंदर एक उबाल आ गया है, इसी स्टेज पर आपको ये जो अपनी भिंडी है वो डाल देनी है। यहाँ पे मैंने ग्रेवी जानबूझकर ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी पसंद है, तो बस आपको
इसके अंदर मिक्स कर देना है और एक दो उबाल और इसमें आने तक आपको वेट करना है ताकि भिंडी के अंदर तक मसाला इसमें चला जाए और इसका टेस्ट जो है आपको काफ़ी बढ़िया आने वाला है। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आ रखा है, टेक्सचर इसका देखिए कितना ब्यूटीफुल जो है आपके सामने। इस तरीके से आप भी भिंडी बनाएं, अपने घर पे खुद खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये भिंडी जो है ऑलमोस्ट हमारी बनकर के तैयार है, बस आपको इसको सर्व करना है। दो उबाल आ जाएंगे तो आप भिंडी इसको सर्व करने के लिए तैयार है। ये रेसिपी के अंदर इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से चैनल पे और सपोर्ट करते रहिए कंबोज लर्निंग ब्लॉग्स को। धन्यवाद।